साफा है। राम राम भाई, सारे भाई ने आपका भाई सुंदर दिनों दिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों, दो तीन दिन पहले एक वीडियो दिखाई थी आपते ही, जो यूक्रेन तक भिवानी लड़की आई है, जो वो देवनगर कॉलोनी की, तो उसने बताया कि हमारे साइड में है कि बम पड़ा थे दागद आरामी, तो जो अंडरग्राउंड था उसमें जा रहे थे, उड़ा जाके हमने जान बचाई। और आज मैं भाई मेरा गांव में ही खड़ा हूँ, दिनोद गांव में, और यो वो घर है जिस तक भाई यूक्रेन जा रहा था भाई, तो इस घर का भीतर चलेंगे और इस भाई तक ही पूछ जाएंगे आखिर उड़ की के कुछ स्थिति थी, किस तरह उड़ता आया, के कुछ मुसीबत हुई, सारी बात करांगे। तो यो घर है, तो भाई देखो दादा दादी बैठे हैं। दादी राम राम। राम राम भाई, ठीक हो? ठीक है दादा। राम राम। राम राम भैया। राम राम, ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक भैया। दादा इब तो नू भी आपका पोता आ गया है। अरे बड़ी खुशी हुई भाई। नू लग रही थी अकबेरा ने के बात हो गया। बहुत ज्यादा लग रही थी भैया। हाँ। तो अभी आ गया तो मतलब थोड़ी शांति हुई है अभी। अच्छा, बात करया कर दिया आप? हाँ, वैसे तो डेली मतलब फोन करता था। अच्छा, तो ये बोलता था कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, नु क्या करता? लेकिन उसने बताया को नहीं, कहते दादा परेशान हो जाए। हाँ, वरी नहीं कर अभी। अरे एक परिवार मतलब दुखी था ना। हाँ। तो इसने अपने परिवार को ये नहीं बोलता है मैं दुखी हूँ। ऐसा उसको नहीं होने दिया ना, हमेशा नहीं बोला मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ। पोता घर ना आ गया? पोता घर ना आ गया भाई, हमने तो खाड़ा पीना भी छोड़ रखा था। छोड़ दिया था, देखो या रे दादी की ममता, मतलब नू दक दक हो रही होगी भीतर। हां आग भाई, क्यों करके से बेराना कित फस रिया से। दादी आप देखा कर देवे, गोले गाले पड़ा हर बिल्डिंग उड़ा है। हां देखा था फोन में, देखा कर दे भाई। हां, और मारा बेटा उड़ा जा रहा बेराना किसी। हां क्यों करके आ होगा। देखा करते बात तो ये कदी भर तेरे बात तो कर लिया करते। अच्छा, फिर नू छोरा दी लाड़ा था, नू हारिया नहीं, नू कहा मैं ठीक हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, उसने दादी नू को नहीं बताया कदे मेरी दादी है, कदे सदमा लाग जा। हाँ। जिद करके कह रही ना। हाँ। बड़ी खूब चिंता हो रही थी भाई। तो भाई जो भाई यूक्रेन से आया है उनके पिताजी हैं, बात करांगे। राम राम जी। राम राम भाई साहब। क्या नाम आपका? मेरा जी अजीत फौजी का है जी। राम जी। तो फौजी साहब, बेटा इतनी दूर भेज रखा था, लड़ाई छिड़ रही थी, तो मन दक दक करता होगा भीतर तक, बेटा किस स्थिति में होगा? नहीं वो तो था, लेकिन ये था कि भाई चलो बात बात हो जाया करती, बस ये है। और इसने वो तो कुछ परेशानी भाई पहले तो बताई नहीं, लेकिन अभी बता रहा है कि काफी परेशानी थी वहाँ पे, क्योंकि रात को जैसे सायरन बज जाता तो बार बार बंकर में उठ के जाना पड़ता था। हाँ, कभी भी जैसे वहाँ कोई अटैक हुआ या जो भी गोलाबारी हुई तो ये रात को उठ के अपने बंकर में चले जाते थे। अच्छा। और जब तक वो नहीं थमती जब तक बंकर में रहते थे। अच्छा। उसके बाद वो सायरन बजता कि हाँ भाई चलो ठीक है। उसके बाद खाने पीने का काफी समस्या थी वहाँ पे, भाई खाने पीने का कुछ है ही नहीं, लोगों ने पहले से ही मतलब जो मिलता था वो सब ले लिया था, स्टॉक कर लिया था। हाँ। और इंडियन बच्चों को ये सब कम ही मिला था जो खाने पीने का स्टॉक है। हाँ, हाँ। तो इस वजह से फिर बाद में उन्होंने वैसे यूक्रेन आर्मी ने या इन्होंने वैसे इनका मदद किया और इनको एक मालदोवा करके दूसरा शहर है वहां से इनको बाहर निकाला। फिर मालदोवा आर्मी ने भी इनकी काफी सपोर्ट किया भाई इंडियन बच्चों की, और इन्होंने फिर वहाँ इनको जैसे तैसे अपने भाई हमारी सरकार के थ्रू इनको बाहर निकाला। भाई है, कैसे है भाई मुन्नू? बढ़िया जी। ठीक हो? हाँ बढ़िया। तो तबीयत कैसी है आपकी? बहुत बढ़िया, अभी खुश हूँ थोड़ा। अच्छा अच्छा, चलो बैठ के बात करेंगे, बैठो। मुन्नू भाई है, देखो भाई आमिन तो बेरा भी कौन था, मेरे गाँव का लड़का यूक्रेन जा रहा है, तो आज बेरा ला गया है भाई यूक्रेन तो आया है। तो मुन्नू भाई सबसे पहले तो अपने दर्शकों ने बताओ के कुछ चल रहा है, कैसा माहौल है? देखो जी ऐसी बात है, बात शुरू अगर मैं करूं तो 16 फरवरी की बात मान लेते हैं पहले। हाँ। तारीख 16 फरवरी, तब क्या हुआ कि इंडियन एम्बेसी ने पहली एडवाइजरी जारी करी। अच्छा, पहले बता दिया था? पहले उन्हें एक एडवाइजरी जारी करी में। अच्छा। एक सूचना जारी होती है। हाँ। कि भाई माहौल थोड़ा सा मतलब जिसको लग रहा है, जो चाहता है, जिसको लग रहा है ठीक नहीं लग रहा है, वो जाना चाहे तो जा सकता। और आशंकाएं थी थोड़ी। उसके बाद फिर तो अगली आपने बेरा था मुन्नू भाई, ऐसा कुछ मतलब यही था कि ये जो एक्टिविटी है आज की थोड़ी है, ये तो बहुत पहले चलती आ रही है, पहले की चल रही है, 2017 चलती आ रही है, उससे पहले भी 2014 में भी इन दोनों के बीच में थोड़ी हुई थी, जिसके अंदर क्रीमिया, लुगांस, डोनेस जैसी सिटीज जो थी जिन्हें रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया। अच्छा।
तो ये चीजें अभी की नहीं, प्रेशर जो है बहुत पुराना है। तो वही बस एडवाइस जारी हुई, फिर 20 फरवरी की बात है, 20 फरवरी को एडवाइजरी जारी हुई। अच्छा। कि भाई थोड़ी सिचुएशन खराब हो रही है, पर दिक्कत ये थी कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है, मैं ओडेसा में रहता हूँ, यूक्रेन के ओडेसा। अच्छा। ये साउथ में आता है, जो ब्लैक सी के पास ओडेसा शहर है। अच्छा, अच्छा। जिसे पोर्ट सिटी ऑफ यूक्रेन कहते हैं। तो वहाँ पे मैं रहता हूँ, और जो यूनिवर्सिटी वो कह रही है कि कोई हमारा यूक्रेन छोड़ के नहीं जाएगा, नहीं तो यूनिवर्सिटी आपको प्रॉब्लम देगी। अच्छा। यूनिवर्सिटी की तरफ से ये आ रहा है, एम्बेसी की तरफ से आ रहा है कि भाई आप निकलिए, अभी सिचुएशन में हम भी दिक्कत में कि हम क्या करें, के करा के नहीं। तो फिर भी 20 तारीख की एडवाइजरी के बाद हमने 8 मार्च की टिकट बनवाई। अच्छा। कि भाई चलो सिचुएशन खराब है तो हम चल देना चाहिए हमको। हाँ। पर जब 23 तारीख को हम सोए रात को और सुबह उठते हैं। अच्छा। तो पता चलता है कि कीव का एयरपोर्ट खत्म हो गया, ओडेसा का एयरपोर्ट खत्म हो गया। आप तक कितनी दूर था वो? देखो हमारे सबसे पास जो ब्लास्ट हुआ था वो था ओडेसा का नेवल बेस। अच्छा। ओडेसा का नेवल बेस, क्योंकि पोर्ट सिटी है वो, तो उसका जो नेवल बेस है वो तबाह हुआ था। तो जब वो ब्लास्ट होया कितना भीतरता है आई एकदम, तो आज रियो क्यों हो गया? मतलब ऐसा था कि 24 तारीख के बाद से शाम को 5 हम बाहर निकले। अच्छा। 24 तारीख को बाहर निकले तो पता चला कि होड़ मच रही है पूरी, भाई सारी दुकानों में भीड़ हो रही है। हाँ। दुनिया जो है सामान इकट्ठा कर रही है। हाँ, अपना अपना सब सामान इकट्ठा। हाँ। कर रही है कि भाई सारी दुकान खाली हो रही है, जो राशन पानी मिल रहा है सारा इकट्ठा हो रहा है, सब खत्म हो रहा है, महंगा हो रहा है। हाँ। तो उस 24 तारीख की शाम को फिर आवाज आई रात को 8-9 बजे। अच्छा। हमको एडवाइस मिली कि भाई पूरा अंधेरा कर लो। अच्छा। कोई लाइट नहीं जलनी चाहिए और कोई आवाज नहीं करेगा, अपने चुपचाप जो है या तो आप शेल्टर में चल जाओ। वहाँ के जो मैप वगैरह है उसमें शेल्टर के पॉइंट्स दिए थे। अच्छा। कि आपके पास में जो शेल्टर है वहाँ आप जा सकते हैं। अंडरग्राउंड। अच्छा। मतलब मैप है वहाँ का, एक लोकेशन है वहाँ पे, आपको शेल्टर की लोकेशन पता चल जाएगी। तो हमें वहाँ पे रात को 8 बजे आवाजें आई रात को, और फिर ऐसा लगा कि कुछ आस पास ही ब्लास्ट हुआ है। फिर 25 तारीख को तो क्या हुआ है कि हमारे घर के आगे फायरिंग हुई। अच्छा। मतलब जो एक रशियन सेपरेटिस्ट क्या कहते हैं, अलगावादी। अच्छा। जो मतलब रशिया चाहते हैं। अच्छा। उनने ओडिशा पे हमला किया, गोलीबारी करी। तो जो यूक्रेन की पुलिस है उसने भी कार्रवाई करी, तो हमारे जस्ट हमारा जो घर है उससे 100 मीटर की दूरी पे लगा लिया। अच्छा। या तो बिल्कुल पास ही लगा सकते हैं हम, जैसे अपना घर ही हनुमानगढ़ी द्वार होता है। हाँ, हाँ। तो इतनी पास में फायरिंग की आवाज आई। अच्छा। और गोली चलने की, गोली चलने की, उसका वीडियो भी हमारे पास। अच्छा। और फिर वही 26-27 तारीख को उसके बाद जो गंभीर था वो, मतलब गंभीरता बढ़ती गई, तो फिर सभी बच्चे जो है घबरा गए। उनने ओडेसा छोड़ के उनको एडवाइजरी मिली कि अपने पास वाले बॉर्डर में चल जाओ। अच्छा। जैसे वो हमसे पास, वैसे तो मल्दोवा बॉर्डर पड़ता है, पर उस समय मल्दोवा बॉर्डर इंडियन स्टूडेंट के लिए खुला नहीं था, तो बच्चे जा रहे थे रोमानिया बॉर्डर पे। अच्छा। अब रोमानिया बॉर्डर पे 4-5 हज़ार बच्चे इकट्ठे हो गए, वहाँ रात को -4-5 डिग्री ठंड, बर्फ पड़ रही है। और आप उसी के अंदर थे? नहीं, मैं उसके अलावा, मैं मल्दोवा बॉर्डर, बात ये हुई कि जब मुझे लगा कि अब निकल जाना चाहिए। अच्छा। सभी जा चुके हैं ओडेसा से, कुछ ही लोग बचे हैं, तब हमने भी अपनी एम्बेसी का एडवाइस किया, अपनी एम्बेसी से बात करी, और हम तब गए, उनको प्रेशर बनाया, तो उन्होंने मल्दोवा बॉर्डर खोला। अच्छा। तो मल्दोवा बॉर्डर खोलते ही हम वहाँ गए, शाम को 5-6 बजे हम वहाँ पहुँचे। वहाँ भी कम से कम 600-700 भारतीय स्टूडेंट वो खड़े थे, और ठंड थी, हम भी कम्बल के अंदर, उनने हमें कम्बल दिया, खाने को दिया। अच्छा। कम से कम 6-8 घंटे लाइन में लगने के बाद। अच्छा। हमको बॉर्डर में एंट्री मिली। यह स्थिति चल रही है भाई। और मल्दोवा बॉर्डर में एंट्री के बाद फिर हमको शेल्टर ले जाया गया, जो रेफ्यूजी जो जहाँ रहते हैं, मतलब रेफ्यूजी की तरह ट्रीट किया जाएगा अब तो। तो वहाँ हमें मल्दोवा ले जाके 1-2 दिन के लिए शेल्टर में रखा गया। अब उस शेल्टर में हमें क्या बोलते हैं, खाने को तो मिलता था, पर वही बात है कि भाई उनका खाना हमारे खाने में कितना फ़र्क है। तो फिर भी सब ठीक था, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया जी।
फिर वहाँ मलदोवा से हम निकले रोमानिया की तरफ, हम मलदोवा से रोमानिया गए। अच्छा। क्योंकि हमारे मलदोवा के पास पड़ता था बुचारेस्ट जो रोमानिया का कैपिटल है, वहाँ से फ्लाइट हमें मिल रही थी। अच्छा। तो हम वहाँ से बुचारेस्ट की तरफ गए और वहाँ हमें रोक कर हमारे नंबर लगा, तब हमारी फ्लाइट नाम आया, तो वहाँ से हमें इवैक्यूएट किया गया यहाँ पे। अच्छा। जी तो मनो भाई इस भी कुछ है आपने सुना हो कि अपने इंडिया का झंडा लेके ले लो और फिर वो लिखो, इस तरह कुछ बात थी? अभी मेरे पास बैग में झंडे रखे हैं। अच्छा। दो तीन हमारे पास एक अवेलेबल था पर हमने दो तीन तो खुद से बनाए थे। अच्छा। पेपर पे और उसके साथ लिखना था एक पे इंडियन स्टूडेंट ऑन बोर्ड। अच्छा। तो इससे क्या होगा कि जो रशियन मिलिट्री है या यूक्रेनियन मिलिट्री है वो आपका सपोर्ट करेगी, सिर्फ इंडिया का झंडा। अच्छा अच्छा। पाकिस्तान का लगा दे दिक्कत हो जाएगी। और ये भी खबर आई थी कि पाकिस्तान के कुछ लोग इंडिया का झंडा लगा के गए थे, उन्हें जाने दिया, बाद में पकड़े गए वो। अच्छा अच्छा जी, यह बात भी चल रही है भाई। बिल्कुल। तो मोनो भाई के कुछ खाने मिला उड़ा किस तरह रहे, थोड़ा बताओ खाना। देखो खाने का तो ऐसा था कि जो एनजीओ वगैरह होती है वो वहाँ काम कर रही थी, पर वही है कि अपना खाना और उनका खाना बहुत अलग रहता है। वहाँ जैसे ब्रेड हो गई, ब्रेड खाने वाला देश है वो, तो ब्रेड हो गई और अपने उबली हुई चीज़ें दी, क्या ही बताऊँ उसमें तो। और तो मोनू भाई घराले फ़ोन कराया कर दे अपनों को, आया कर दे ठीक। हाँ तो घराला तो बताए क्या, तो कोई दिक्कत चल रही है? अब ये सिचुएशन ऐसी थी कि इसमें किसी को बताना भी ठीक नहीं है, और घराले टेंशन लेंगे तो हमें और ज्यादा पैनिक होंगे, हमको जितनी टेंशन होगी उनको और ज्यादा टेंशन होगी, तो इसलिए मैंने इस चीज को दबा के रखा। हमने कहा कि ओडिशा जो है बहुत दूर है, जो हमला है वो क्यू में चल रहा है। अच्छा, अच्छा। मतलब कि हमला जम्मू में चल रहा है और हम तमिलनाडु में बैठे हैं। हमने तो भाई 4-5 साल का कोर्स हो है, 4 साल हो, कितना का हो? 6 साल का। 6 साल का जी। जो बात करी वाला लड़की उसका 4 का था, वो 5 का था, अलग अलग होंगे। ये ऐसा है कि यूक्रेन में तो 5 साल 5.5 साल 5 साल 8 महीने, तो हम 6 लगा के चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, नो बात है, ठीक है। तो ईब आप के हो गए थे 4 साल, तो या स्थिति जो ईब बनी है, तो या जो पढ़ाई है या बाधित हो जाएगी, तो आगे की कुछ रहेगा इसका? इसका तो ऐसा है जी कि पहले तो युद्ध खत्म हो, उसके बाद यूनिवर्सिटी तो एक कह रही है कि आप अभी ऑनलाइन क्लास चलाएंगे हम। अच्छा। तो ऑनलाइन की कोशिश कर रही है, तो हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, अभी एक अभी न्यूज़ आई है मेरे पास कि हमारे जो भी डॉक्यूमेंट, हमारी जो भी जो मार्कशीट जो भी है, उसे सेफली शेल्टर में पहुंचा दिया गया है। अच्छा। कहीं अगर यूनिवर्सिटी पे कुछ हमला होता है तो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स, हमारा सब जो रिकॉर्ड्स है वो सब सेफ रहे। अच्छा। और उसके बाद आगे की एडवाइजरी मिलती रहेगी कि कब कैसे ऑनलाइन क्लास होगी, कब से ऑफलाइन होगी, कब क्या होगा। तो मनु भाई जिस तरह आप लिखे और फोन फान को कर चार्ज कराया, किस तरह के? मतलब यही था कि हम जैसे दोस्त हैं तो हमने सभी अपने आपस परिवार वालों का नंबर एक दूसरे को शेयर किया। अच्छा। सबने अपना फोन चार्ज रखा और एक फोन एक टाइम में यूज करते थे। अच्छा। कि भाई इसका चार्ज खत्म हो जाए तो दूसरा यूज करेंगे, और सभी को एक मैसेज डाल दो या एक फोन कर दो तो सबको बता देगा कि भाई इसका ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा। हम सारे ठीक है। बिल्कुल। तो आप उड़ता आए तो लग था मैं सुरक्षित करना पूछ जाऊंगा कुछ इसी बात। अब ये तो देखो किस्मत वाली बात है कि हम 27 तारीख को निकले थे और 28 तारीख को उसी जगह पे जहाँ हम निकले थे हमारे घर के पास ही बम फूटने शुरू हो गए थे। अच्छा। मतलब ये तो किस्मत वाली बात है कि जिस दिन हम निकल गए उसी अगले दिन ही हमला वहाँ शुरू हो गया। अच्छा, अच्छा। भारी मात्रा में। और मैं लगे मनु भाई अड़ते आने में, यहाँ पे आने में आपको लगा लो 27-28 एक 4-5 दिन का मेरा सफर। उसमें मतलब वही बॉर्डर पे खड़े रहना ठंड में, उसके बाद शेल्टर में रहना, उसके बाद फिर एयरपोर्ट पे लंबी लाइन थी, और उसके बाद फिर अपना नंबर लगना, तो बहुत लंबा सफर था। हाँ। और मोनो भाई बताओ वो एक डॉगी है लिया है वो किस है? यूक्रेन में हमने एक यूके का ब्रीड है या स्कॉटलैंड का ब्रीड है, वो यॉर्कशायर टेरियन नाम है। अच्छा। तो स्मॉल ब्रीड हमने वो पाला था। अच्छा अच्छा। तो वो तो अपने इंडिया में लिया है। तो क्या हुआ कि अब हम उसको अकेला छोड़ नहीं सकते, 1.5 साल का हो गया था। अच्छा। इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, तो हमने उसको साथ रखा कि जो होगा देख लेंगे, इसको भी ले चलते हैं। अच्छा। तो उसको मलदोवा तक साथ ले गए, रोमानिया तक साथ ले गए। फ्लाइट जब हमारी हुई तो पहली फ्लाइट में चेक इन में उसको हाँ कर दिया कि भाई ले जाओ। हम आगे गए, सिक्योरिटी इमिग्रेशन सब में हाँ हो गया। आखिर में कैप्टन जो फ्लाइट का था वो कहता है कि डॉग्स आर नॉट अलाउड, तो हमने अपनी टिकट भी कैंसिल कर दी, मैं जाएंगे तो साथ जाएंगे। अच्छा। तो फिर हमने किया वहाँ पे उस समय उन दिनों वो
रोमानिया में एविएशन मिनिस्टर हैं अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। अच्छा जी, जानते होंगे, एविएशन मिनिस्टर हैं वो, आए हुए थे रोमानिया में। अच्छा, तो हमने उनको ट्वीट लिखा कि भाई हमारे पास एक पेट डॉग है और हम अगर जाएंगे तो उन्हीं के साथ जाएंगे। अच्छा, तो जो सिंधिया जी ने प्रेशर बनाया और उस प्रेशर की वजह से जो एम्बेसी वाले उनने कैप्टन को फोन लगाया और तब जाके प्रेशर बना कि भाई जाएगा तो ये साथ ही जाएगा। तो उसने साथ लिया है। हाँ, ले रहे हो जी? वो अभी यहाँ तो नहीं है। अच्छा, वो अभी दिल्ली में है, मेरे दोस्त के पास। तो यार ले आओगे इस जगह पे? बिल्कुल लाएंगे कभी। अच्छा अच्छा, तो उसकी फोटो वगैरह? फोटो है, वीडियो, उसकी वीडियो भी है। अच्छा, तो भाई जो यूक्रेन तक जो कुत्ता आ रहा है तो उसका नाम रघु है भाई। तो वीडियो आप दिखाऊंगा, मैं फोटो भी दिखाऊंगा, इसमें आप देखियो। अच्छा मोनू भाई, जिस तरह आप बात कर लें यूक्रेन की, तो किस तरह से मतलब ये हमला होया है, के चाव है रूस आड़े के यूक्रेन आड़े, किस तरह के? देखो, अगर मैंने जितना समझा इस युद्ध को, इसमें गलती तो ना यूक्रेन की है ना रशिया की है। अच्छा, मैं रशिया गलती भी नहीं मानता इसमें। बात यह है कि एक नाटो एक संगठन होता है, जो वहाँ के जो यूरोपीय देश हैं उसके अंदर 30 सदस्य हैं, उनने एक नाटो एक संगठन बनाया है कि अगर किसी एक उस पे देश पे हमला होता है तो सभी 30 के 30 मिलके उसको मतलब हराएंगे या उसके लड़ेंगे, उसके साथ लड़ेंगे। अच्छा, कि अगर हम पे हमला हो रहा है तो हमारे जो 30 देश हैं उसकी भी आर्मी उस देश में आएगी और वहाँ हमला करेगी। तो बात यह है कि यूक्रेन भी नाटो ज्वाइन करने वाला था, तो यूक्रेन चाह रहा था कि अपनी सिक्योरिटी के लिए हम नाटो ज्वाइन करें। तो अगर नाटो ज्वाइन कर लेता तो सीधी बात होती कि रशिया के बॉर्डर पे, रशिया का बहुत सारा बॉर्डर यूक्रेन से टच होता है। अच्छा, तो रशिया के बॉर्डर पे अमेरिका की मिलिट्री आके खड़ी हो जाती या नाटो की मिलिट्री आके खड़ी हो जाती, क्योंकि ये होता है कि जो भी मिलिट्री अगर किसी पर हमला होता है तो सारी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट वहां कर देंगे। तो अगर रशिया के दरवाजे पर हमला होगा तो उसे कुछ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो उसने यूक्रेन को नाटो ना ज्वाइन करने के लिए उस पर हमला किया, मेरे को जो लगता है। बिल्कुल भाई, जो भाई ने सुनी है वही बताई है, तो इब स्वस्थ हो, मतलब शांति है दिल में? हाँ, अभी बिल्कुल बढ़िया हूँ, आराम से दिल्ली पहुँचे, आराम से हमको स्वागत किया गया। किस टाइम आई घर पे? तो मैं से आज ही आया हूँ, उससे पहले भी मैं एक दो दिन दिल्ली था। अच्छा अच्छा, वहीं रुका हुआ था, वो अपने रघु का एक काम करा रहा था। अच्छा अच्छा, चलो मोनू भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद जी। तो दोस्तों यो था अपने साथ में भाई, यूक्रेन ता है भाई, मेरे गांव से ही है मोनू। तो और भी वीडियो आप तक दिखाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।